देखने वाले वो है क्या, पिस्टल चेक। और ये हमारा प्रीवियस ईयर है, और प्रीवियस ईयर है तो मतलब एग्जाम में जो आ चुका है तो वो तो बन जाता है इम्पोर्टेंट, तो उसे देखना है ज्यादा जरूरी। ठीक है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं ये, और इन्हें याद रखना भी बहुत जरूरी है। और देखो स्पेलिंग जो है ना सिर्फ हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि कि किसी वर्ड की क्या स्पेलिंग होती है ये हमें जानना चाहिए और हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है। सबसे पहले चारों को पढ़ो एक बार ध्यान से, क्या है CUNSON ANTAL, कॉन्सोनेंटल, कॉन्सोनेंटल, ये कॉन्सोनेंटल या ये कॉन्सोनेंटल, तो कौन सा कॉन्सोनेंटल होगा। तो देखो जैसे ही तुम्हें कॉन्सोनेंटल समझ आया, पढ़ा तुमने कॉन्सोनेंटल है ना, तो तभी आपको दिमाग में आ गया कि ये जो कॉन्सोनेंटल है ना ये AL लगा के तो ऐड किया है, AL तो इसमें क्या किया है, ऐड किया है, पर ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है नाउन, कॉन्सोनेंट है नाउन, और AL ऐड करके इसको बना दिया वो सॉरी एडजेक्टिव, ए वो कॉन्सोनेंट है नाउन और AL लगा के इसको बना दिया एडजेक्टिव। अब देखो कॉन्सोनेंट में यहां बता रही हूँ आपको, देखो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, डू यू नो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, तो CON कॉन्सो, CONSO कॉन्सो, और NAN नेंट, NANT, NANT नेंट, CONSO NANT नेंट कॉन्सोनेंट। ठीक है, प्लस हमने इसमें AL लगाया तो हमने इसको एडजेक्टिव बनाया, तो क्या बन जाएगा, कॉन्सोनेंटल। तो यहाँ पे फिर जब हम बना रहे हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा इस वर्ड में, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्सोनेंटल, कॉन्सोनेंटल। तो समझ में आ रहा है क्या लिखा है, ये कॉन्सोनेंटल। तो CONSON NANTAL, NANT ऊपर भी NAN है, हाँ तो NAN, देखो यहाँ ई है, ई गलती है, ई गलती करके देता है। ठीक है, ई गलती करके देता है ना, बाकी ये हमारा आंसर है कॉन्सोनेंटल, CONSON ANTAL कॉन्सोनेंटल, ये हमारा आंसर है। तो कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट तो व्यंजन, हाँ पर हम कहेंगे कि कॉन्सोनेंट कुछ कॉन्सोनेंटल है ना ये, तो कॉन्सोनेंटल हम कहेंगे कुछ भी बना सकते हैं कि भाई ये कॉन्सोनेंटल अल्फाबेट है। ठीक है, कॉन्सोनेंटल अल्फाबेट है, जो भी कुछ बना सकते हैं, और भी एडजेक्टिव है उसके के बाद नाउन आएगा, कुछ भी बोल लो। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, गायनोकोलॉजिस्ट, क्या ये स्पेलिंग है, या गियानोकोलॉजिस्ट, गेनियोकोलॉजिस्ट, या ये वाली स्पेलिंग है। तो देखो जैसे ही आपने ये देखा गायनोकोलॉजिस्ट है ना, तो वैसे एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो है गायनोकोलॉजिस्ट, तो ये हाँ स्त्री विशेषज्ञ से रिलेटेड है, सही कहा आपने, ये किससे रिलेटेड है, स्त्री विशेषज्ञ, स्त्री विशेषज्ञ। तो देखो ये है ना, इसको कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड है उसको याद रखो, ये GAY से स्टार्ट नहीं होगी है ना, ये नहीं होगी इससे, क्योंकि GAY गे वाले वर्ड, गे वर्ड है, गे हैप्पी होना भी होता है इसका, और जी के साथ बाई तो है, जी के साथ बाई तो है, ये याद रखो, ये नहीं है, ये नहीं है, जी के साथ बाई है, और इसकी स्पेलिंग है GY एक साथ है, ध्यान से देखो GY एक साथ है, तो गायनिया GYNAE, गायनिया GYNAE, AE गायनी, हमने उस दिन एक वर्ड याद किया था ना, वो क्या था जिसमें हमने याद किया था, AEIOU, यहां तक लिखे है ना मैंने उसके बाद से। ठीक है, तो ये जो AEIOU हमने उस दिन देखा, एक स्पेलिंग क्या थी, वो आर्कियोलॉजिस्ट, हाँ ARCH, AE, I तो था उसमें नहीं, O, तो आर क्यों, देखो हमने वोवेल का सीक्वेंस देखा था कि आई तो है नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट है ना, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट, ये वहां पर भी, यहाँ भी ध्यान रख लेना आप, AE है, AE है, गायने, गायनेकोलॉजिस्ट है ना, तो कॉलोजिस्ट याद रखना, तो ये तो हो ही जाएगा, यहाँ याद रखना GYNAE, GYNAE,
ई जी वाई एन ए ई हाँ जी वाई एन ए ई जी वाई एन ए ई गाय गायनियो गायनियाकोलॉजिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ठीक है। देखो आगे स्पेलिंग जरा ध्यान से देखो, क्या स्पेलिंग कौन सी स्पेलिंग सही जैसी दिख रही है, सही जैसी दिख रही है। क्या डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट पढ़ने पर तो पता चल गया कि डिसर्नमेंट लिखा है, फर्स्ट वाली है ना, फर्स्ट वाली देखो क्या लिखा है, डी आई सी एस डिक्सर्न डिक्सर्नमेंट ऐसा है ये, ये डबल सी आएगा, नहीं 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 ये नहीं डबल सी आएगा, नहीं 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 ये भी नहीं, डबल सी वाली ऐसे डी आई डबल सी की कोई स्पेलिंग ही नहीं है ठीक है, और डी आई सी एस ऐसे करके भी कोई स्पेलिंग नहीं होती, डिस डी आई एस डिस डिसर्नमेंट 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 करना होता है क्या कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है कैपेसिटी है कि कोई चीज है उसमें क्या अंतर है उस अंतर को तुम पहचान लो डिसर्न कर लो। एक पहले पिक्चर नहीं आती थी, उस पिक्चर में कहीं 8, 8 या 10 पॉइंट होते थे, वो दूसरी पिक्चर से अलग हैं, तो क्या उसमें आता था ना डिसर्नमेंट, अंतर करो अंतर ढूंढो है ना। तो ऐसे में देखो हम फिर देखो उसका हाथ ऐसे है दूसरी पिक्चर में ऐसे है, ये अंतर हो गया, ऐसे ढूंढते थे ना अखबार में, हाँ हाँ तो वो हम क्या करते थे डिसर्न करते थे एक पिक्चर दूसरी पिक्चर में क्या अंतर है डिसर्न करना, तो डिसर्नमेंट है कि क्या करना अंतर करना डिसर्नमेंट पहचानना, क्या करना पहचानना आइडेंटिफाई करना, तो दोनों चीज बड़ी सेम है पर उन दोनों में से ही क्या करना पहचान करना, तो उसको हम कहेंगे डिसर्नमेंट। तो ये हमारी है करेक्ट स्पेलिंग डिसर्नमेंट, यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट समझ में आया। देखो आगे क्या लिखा है, इनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट ये वाली या ये वाली, एक बार ध्यान से देखो कि इनवर्टिब इन ठीक है वर्टिब वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट यहाँ पे आई दिया हुआ है ठीक है, यहाँ पर भी आई दिया हुआ है और यहाँ पर भी आई दिया, बाकी यहाँ देखो आई एन बी ई आर टी आई एन बी ई आर टी आई एन बी ई आर टी आई एन बी आर टी और बाद में आर ए टी ई आर ए टी आर ए टी ई आर ए टी ई है ना रेट, तो इसका प्रोनंसिएशन क्या है इनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट है ना। तो देखो उसमें आई नहीं आता, आई करके तो गलती दे देते हैं, आई लगाकर तो ये गलती देते हैं ठीक है, गलती करते हैं, उसमें आई नहीं आता, तो स्पेलिंग क्या है स्पेलिंग ये है इनवर्टिब्रेट आई एन बी ई आर आई एन बी ई आर टी ई बी आर ए टी ई इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं कि भाई एक ऐसे एनिमल होते हैं जो कि जैसे सांप है इनवर्टिब्रेट है, उसकी क्या है कि रीढ़ नहीं है, अकोशिकी है वो अकोशिकी ये कशेरुकु। आगे ये तो देखो क्या लिखा है पढ़ के बताओ जरा मुझे जल्दी से, ऑमलेट हाँ ऑमलेट कौन सी स्पेलिंग है जो करेक्ट है, तो क्या इसमें डबल एम आता है, तो डबल एम भी इसमें नहीं आता, डबल एम करके स्पेलिंग गलत देते, डबल एल भी इसमें नहीं आता नहीं आता है, और डबल टी तो इसमें आता है डबल टी तो इसमें आता है पर डबल एम नहीं आता डबल एल नहीं आता आमलेट में है ना आमलेट, और पर इसमें ना ये भी स्पेलिंग सही हो सकती थी मगर इसमें ई नहीं है, आमलेट की स्पेलिंग ये होगी कि ओ एम ई एल ई डबल टी ई ओ एम ई अभी सुनूंगी मैं इसलिए ध्यान से याद रख ले ओ एम ई डबल वो ओ एम ई एल ई डबल टी ई ओ एम ई एल ई डबल टी ई आमलेट ओम ओ एम ई ओम ओम ओमलेट एल ई डबल टी ई ओ एम ई डबल टी एल ई डबल टी ई याद रख इसको याद कर ओ एम ई एल ई डबल टी ई ऑमलेट ऑमलेट। क्वेश्चन की जो स्पेलिंग होती है वो है सी यू आई एस आई एन ई, देखो इसमें सी यू एस आई एन आई नहीं होगा, कुसाइन हो जाएगा ये तो कुसाइन नहीं होगा, एस आई एन ई तो साइन पढ़ेंगे ना फिर, सिन भी नहीं होगा सी यू आई एस आई एन ई
ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सी आई नहीं है, सी आई नहीं है, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ये है, ये याद रखो, सी यू आई एस आई एन कुशीन। और यहाँ पे है ना, ये भोजन वगैरह की जो कला होती है ना, भोजन की कला, पाक कला, खाना कैसे बनाते हैं उसके लिए है। और इसको उससे मत करना, कजन से, कजन की स्पेलिंग सी ओ होती है, यू एस आई एन, कजन, ये तो याद रह जाती है, यही गड़बड़ हो जाती है कजन में, है ना। सी ओ यू क्या, सी ओ यू, सी ओ यू, सी ओ यू एस आई एन, कजन, सी ओ यू एस ओ यू, तो ये याद रखना है ओ और यू, जैसे हमारे वोवेल है ना क्या, ए ई आई ओ यू, तो ओ यू साथ में आ रहा है, ओ यू साथ में आ रहा है, तो सी ओ यू एस आई एन, सी ओ यू एस आई एन, सी ओ यू एस आई एन, कजिन। तो ये भी कजिन की स्पेलिंग भी पूछ लिया जाता है ना, सी ओ यू एस आई एन, कजिन, भोज। और ये कुसीन है, सी यू आई एस आई एन, इसको कजिन मत पढ़ लेना, है ना, क्योंकि यहाँ तुम सोचो अरे कजिन, यहाँ कजिन की स्पेलिंग तो सी ओ यू कर दो, तो ऐसे नहीं है कि सी ओ यू करना है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, डायरिया, डायरिया, तो डायरिया तो वो होता है ना, लूज मोशन, डायरिया हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, क्यों, हाँ, तो क्या स्पेलिंग है इस डायरिया की, देखो डबल आर तो आता है, डबल आर तो है पर सिंगल आर नहीं है, दीदी फर्स्ट वाली होगी, हाँ फर्स्ट वाली है, तो सिंगल आर तो नहीं है, पर डबल आर तो आता है, पर डी आई के साथ ए भी आता है, डी आई के साथ ए भी आता है, तो ये नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगी, ये होगी डी आई ए डबल आर, डी आई ए डबल आर, एच ओ ई ए, एच ओ ई ए, तो डायरिया है ना, डायर होइया, डायर होइया, डायरिया, तुम इसे डायरिया, डायर होइया, ये स्पेलिंग याद रखने के लिए, डी आई ए डायर, डी आई ए डबल आर, डायर होइया, एच ओ ई ए, पर इसको डायरिया। देखो आगे क्या लिखा है, फ्लफी, अब ये फ्लफी आपको नहीं पता होगा, है ना, फ्लफी, फ्लफी हम ऐसे इंसान को कहते हैं जो क्या है, शराबी है या फिर ऊटपटांग है इस तरह का, तो उसकी स्पेलिंग यही है, इसे याद रख लो, एफ एल यू डबल एच वाई, फ्लफी, फ्लफी नहीं होगा, डबल एफ आता है, एफ से स्टार्ट है, यहाँ पर भी एफ है, ऐसा नहीं है कि एफ और पी है, ये भी नहीं है, ठीक है, आई ई भी नहीं है, ठीक है, तो ये स्पेलिंग है, एफ एल यू डबल एफ वाई, एफ एल यू डबल एफ वाई, फ्लफी, एफ एल यू डबल एफ वाई, फ्लफी। आगे देखो, देखो ये स्पेलिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है ये वाली स्पेलिंग, और एकोमोडेट, ये तो मैंने करवाई भी है, एकोमोडेट, इसमें है ना गलती ये करके दे देते हैं एकोमोडेट में, कि है ना या तो सिंगल एम दे देंगे या सिंगल सी दे देंगे, जबकि इसमें डबल सी और डबल एम है, ये याद रखना है, तो ये वाली नहीं है, इसमें डबल सी है पर डबल एम नहीं है, तो ये वाली भी नहीं है, इसमें डबल एम तो है मगर ये डबल सी नहीं है, तो ये वाली नहीं है, एकोमोडेट, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई, एकोमोडेट, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई, एकोमोडेट, ए डबल सी ओ, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई, एकोमोडेट, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा है, एफ्लोरेंस, देख इतना इतना देखो, एफ एल ओ, फ्लो है ना, जहां पर भी फ्लो है तो वो फूलने वाला सेंस में है, तो एफ और इसमें ई लगा दिया, तो एफ ई लगा दिया और फिर इसमें एक और एफ अपने आप ही जुड़ जाएगा, तो एफ्लोरेसेंस, तो मतलब कोई चीज का फ्लो होना, पर कैसे बाहर की साइड, जैसे फूल है तो फूल क्या है, खिलेगा, उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है जब वो खिलता है, तो ठीक है, तो इसमें ना सिंगल एफ तो नहीं आता, सिंगल एफ की गलती करके देते हैं, सिंगल एफ इसमें नहीं, नहीं आता, तो एक तो ये गलती करके देते हैं कि इसमें सिंगल एफ लगा देते हैं, तो वो इससे, और है ना आगे देखो कि ई डबल एफ एल ओ, एफलो, आर ई एस सी ई एन सी ई, एफ्लोरेसेंस, अब यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग होगी,
ई डबल एफ आर ओ एफ्लो रे आर ए एफ्लो रे ए एस भी नहीं होगा ए एफ्लोरासेंस हो जाएगा एफ्लोरासेंस नहीं है है ना तो ए डबल एफ आई एल ओ ए डबल एफ एल ओ एफ्लो रे सेंस एस सी ई एन ये सही है एफ्लोरेसेंस यहाँ पर भी ये नहीं होगा कि ए डबल एफ ई नहीं होगा ये गलत है ठीक है आगे देखिए क्या लिखा है रिमिनिसेंट देखो रिमिनिसेंट को आप रिमाइंड से याद रख लो देखो कोई चीज हमें गिफ्ट में मिली है ना कोई चीज हमें गिफ्ट में मिली और हम उसे 5-6 साल बाद उस गिफ्ट को देखते हैं तो वो हमें वो वाली चीजें रिमाइंड करा देता है याद हाँ तो रिमिनिसेंट भी क्या है पुरानी यादें हैं स्मृतियां हैं कोई स्मृति चिन्ह तुम्हें मिला है तो वो क्या है रिमिनिसेंट है याद दिला देता है पुरानी तो उसी सेंस में ये रिमाइंड के सेंस में है तो इसमें ना आर आई रिमाइंड है ना फिर से री वाला आएगा आर ई वाला ठीक है आर आई वाला नहीं आएगा ये गलत है आर आई नहीं आएगा ये गलत है और रिमिनिसेंट आर ई एम आई एन आर आई ये वाला नहीं होगा ये नहीं होगा यहाँ पर भी आई आएगा है ना रिमिनिसेंट यहाँ पर भी आई आएगा हाँ यहाँ पर आई आएगा रिमिनिसेंट आगे देखो हीमोग्लोबिन की क्या स्पेलिंग है एच ई एम ई एम नहीं एच ए ई हीमो है ना हीमो और ग्लोबिन जी एल ओ वी ई वी हीमोग्लोबिन तो इसकी स्पेलिंग यहाँ याद रखनी पड़ती है कि एच ए ई एम ओ ये हेमोरेज है जैसे हमने ये वाला रेज पढ़ा था वो डबल आर इसमें भी डबल आर है तो इसमें डबल आर है सिंगल करके दिया ये गलती डबल है यहाँ सही है यहाँ भी डबल दिया हुआ है मगर यहाँ पे ए एच ए ई है तो ये तो एच ए ई नहीं है तो ये गलती है ये सही है एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी ई एच ई नहीं ये एच ए ई होना चाहिए था ये तो गलत है तो सही स्पेलिंग हमारी हेमोरेज एच ए ई एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी ई हेमोरेज है ना एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी ई हेमोरेज ठीक है याद हो गई हाँ एक बार रिवीजन करा लूं फिर पूछूंगी तुमसे ठीक है हेमोरेज एच ए ई देखो ध्यान से देखो एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए ई एच ए जी ई है मो डबल आर एच ए जी ई डबल आर एच ए हेमोरेज एच ए ई एम ओ आर आर डबल आर एच ए जी एच A E M O डबल R H A G यहाँ देखो क्या लिखा है रिमिनिसेंट तो R E R मिनि M I N I रिमिनि R E M I N I R E M I N I S E N T है ना R E M I N I S E N T रिमिनिसेंट रिमिनिसेंट आगे ठीक है फ्लोरेंस याद रख लो फ्लोरेंस फ्लोरेंस नाइटिंगेल है ना वो क्या थी फ्लोरेंस वो है ना फ्लोरेंस तो फ्लोरेंस क्या है ई डबल एफ और जब हमने उसमें सफिक्स कर दिया ई तो आउटसाइड फ्लो होगा तो जब हमने ये सफिक्स किया तो एक और एफ आ गया देखो कुछ भी हम सफिक्स प्रीफिक्स करते हैं तो कभी कभी वो स्पेलिंग चेंज भी हो जाती है जैसे कि सत प्लस जन सत्यजन नहीं सज्जन होता है सत प्लस जन सत्यजन नहीं सज्जन तो यहाँ पे कुछ ज एक और ज एक्स्ट्रा आ गया ना प्रोनंसिएशन की वजह से ठीक है सज्जन सज्जन नहीं सत्यजन नहीं सज्जन 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 लोग हैं ठीक है तो उसी तरह से एक और एफ आ गया तो ई डबल एफ एफ लो रे एफ्लोरेसेंस तो यहाँ याद रखो एस सी ई एन सी ई है ना एफ्लोरेसेंस ये तो नाउन है टी भी आ सकता है सी ई हटा के क्या बनाने के लिए एडजेक्टिव बनाने तो एफ्लोरेसेंस ए डबल ई डबल एफ एल ओ आर ई एस सी ई एन ई
सी ई है ना. आप इसको एफ्लोरेसेंट के नाम से याद रख लो एज एडजेक्टिव. देखो ई डबल एफ एफ लो रे एस सी ई एन टी सेंट एस सी ई एन टी. और देखो अगर ये है एडजेक्टिव, ये क्या है एडजेक्टिव. अगर नाउन बनाना है तो इस टी को हटा के सी ई लगा दो तो नाउन बन जाएगा. ठीक है, कोई कोई ऐसे वर्ड भी होते हैं. तो एफ्लोरेसेंस एक्मोडेट ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई ए डबल सी ओ डबल एम डबल सी डबल एम है इसमें डबल. और फ्लफी है ना. हाँ फ्लफी एफ एन यू डबल एफ वाई फ्लफी. और डायरिया डी आई ए डबल आर डायर डायमोडिया है ना. कुसिन सी यू आई एस आई एन ई सी यू आई एस आई एन ई कुसिन. और कजन सी ओ यू एस आई एन. ऑमलेट ओ एम ई डबल एल ई डबल टी ई ओ एम ई एल ई डबल टी ऑमलेट है ना. और ये क्या है इनवर्ट इनवर्टिब्रेट. तो आई एन इन वी ई आर टी ई यहाँ पे इनवर्टी आई एन वी ई आर टी ई इनवर्टी. और ब्रेट वी आर ए टी ई इनवर्टिब्रेट. ठीक है इनवर्टिब्रेट. तो इनवर्टिब्रेट कैसे वो जो सांप है तो वो क्या है खिसक खिसक के चल रहा है ना. वो क्या है इनवर्टिब्रेट है. उसकी कोई हड्डी थोड़ी ना होती. इनवर्टिब्रेट है. ये क्या है डिसनमेंट. यहाँ पर भी तुम क्या काम कर रही हो चार एक जैसे ही दे दिए. चार एक जैसे ही वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं पर आप क्या कर रही हो आप इनको डिसन करने का काम कर रही हो. आप इनको क्या कर रही हो यू आर डिसर्निंग है ना. तो डिसर्नमेंट गायनोकोलॉजिस्ट के लिए जी वाई एन देख ए ई है ना ए ई ए ई. ठीक है ए ई. और कहाँ हमने देखा था ए ई ए ई है ना. तो गायनोकोलॉजिस्ट जी वाई एन ए ई सी ओ एल ओ जी आई एस टी गायनोकोलॉजिस्ट. और कॉन्सोनेंट में एन ए एन आता है ई नहीं आता. एन ए एन आता है ई नहीं आता. पूछ लो. हाँ तो चलो फिर पूछ लेती हूँ. तो बताओ बताओ कॉन्सोनेंटल की सी ओ एन कॉन्सो कॉन्सो एस सी ओ एन कॉन्सो एस ओ सो नेंट एन ए एन टी ई टी ए एल टी ए एल. हाँ कॉन्सोनेंटल. और गायनेकोलॉजिस्ट जी ए वाई होगा. जी ए वाई नहीं है जी वाई जी वाई ए ई जी वाई ए ई जी वाई गायना जी वाई एन ए ई सी ओ एल ओ जी आई एस टी गायनोकोलॉजिस्ट. डिसर्नमेंट डिसर्नमेंट डी डी आई एस डिसर्न सी ई आर एन एन ई एन टी. हाँ डिसर्नमेंट. ठीक है इनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट आई एन वी ई आर. हाँ आई एन वी ई आर इनवर्टी ब्रेट बी आर ए टी ई. ये तो सही मैंने ही गलत बोल दी. और आगे क्या है ऑमलेट ओ एम ई डबल एम नहीं है सिंगल एम है ओ एम ओ एम ई एल ई डबल टी ई ओ एम ई एल ई डबल टी ई ऑमलेट. ठीक है कजिन कजिन सी 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 यू नहीं है सी ओ सी यू आई एस आई एन ई. कजिन का मतलब भोजन पाक कला. और सी ओ यू एस आई एन कजिन कजिन. और डायरिया D I A डबल R H डबल R A H O E A. हाँ और ये फ्लफी फ्लफी F L U डबल F Y डबल F Y. एकोमोडेट A एको A C O एको A डबल C O डबल M O D A T E एकोमोडेट. एफ्लोरेसेंस एफ्लोरेसेंस A डबल F L O R E S E N C E एफ्लोरेसेंस. रिमिनिसेंट रिमिनिसेंट री
आर ई आर ई एम आई एन आई एस ई एन टी रिमिनिसेंट, और ये हेमोरेज एच ए ई एम ओ एम ओ डबल आर एच ए जी ई, और ग्लोबिन हीमोग्लोबिन एच ए एम ई एच ए ई एम ओ हीमोग्लोबिन जी एल ओ वी आई एन, ठीक है हीमोग्लोबिन। तो ये हो गया आपका आज के लिए।